ओके, तो आज से हम लोग अपनी एलन्स की नोट्स की सेकंड मेडिसिन शुरू करने वाले हैं, जो कि है एकोनाइटम नेपलस। तो मैं सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एकोनाइट के बारे में। एकोनाइट जो है वो एक एक्यूट केसेस में दी जाने वाली रेमेडी है, एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं एकोनाइट में, उनका कोर्स ऑफ एक्शन बहुत छोटा होता है। यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें एकोनाइट में, वो कम सडन एंड गो सडन, जल्दी से आती हैं, अपना कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीट करती हैं और उतनी ही तेजी से चली जाती हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। एकोनाइट कॉमन नेम है मोंगसोर, एंड फैमिली है इसकी रैनिकुलेसी, एंड जो प्रूवर थे एकोनाइट के वो थे हैंगमैन। ओके, बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की। इज जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रीसेंट केसेस अकरिंग इन यंग पर्सन। एकोनाइट जो है जनरली दी जाती है एक्यूट और रीसेंट केसेस में, जो कि यंग पर्सन में होते हैं। एक्यूट और रीसेंट केसेस क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए, जो कि आपको सडन ही कोई चीज हुई हो, मान लीजिए कि कहीं से आप बाहर से आए हैं, आप घर पहुंचे एंड सडनली आपको बुखार आ जाए, या फिर सडनली आपको जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो एक्यूट हो गया, एक्यूट एंड रीसेंट केस हो गया। ठीक है, तो इसमें आप एकोनाइट दे सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स ऑफ अ फुल लिथोरिक हैबिट हु लेड अ सेडेंटरी लाइफ, उन गर्ल्स को हम लोग दे सकते हैं जिनकी जिनमें लिथोरिक हैबिट होती है। लिथोरिक हैबिट क्या होता है कि जो थोड़ी सी चबी होती है उन्हें हम कहते हैं प्लेथोरिक हैबिट। ठीक है, तो स्पेशली गर्ल्स ऑफ अ फुल प्लेथोरिक हैबिट हु लेड अ सेडेंटरी लाइफ, यानी कि उन गर्ल्स में होती है जो प्लेथोरिक हैबिट होती है जिनमें, और वो सेडेंटरी लाइफ जीती हैं। सेडेंटरी लाइफ क्या होता है कि फिजिकली एक्टिव ना होना ज्यादा, उसको कहते हैं सेडेंटरी लाइफ। ठीक है, पर्सन इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस। एकोनाइट का जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, चाहे फिर वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, तीनों में ही वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। छोटी छोटी चीजें उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती है। अगर मेंटली बात की जाए तो उसका पेशेंट कुछ इस तरीके से होता है कि कोई उससे छोटे बहुत मजाक भी कर देता है ना, तो वो भी बहुत सीरियसली ले लेता है, दिल पे ले लेता है, इस तरीके से होता है। फिजिकली सेंसिटिव ऐसा होता है कि छोटी सी मान लो उसको चोट लग जाती है, तो उसको इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता, बहुत दर्द महसूस होता है, इस तरीके से होता है। इमोशनली भी है ना, कि उसको छोटी छोटी चीजें बहुत लग जाती है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ओवर थिंकर होता है बहुत ज्यादा। डार्क हेयर एंड आईज, रिजिड मस्कुलर फाइबर। ठीक है, उसके जो होता है डार्क हेयर होते हैं, डार्क आईज होती है, एंड रिजिड मस्कुलर बॉडी होती है। ओके, मेंटल्स की बात करें तो मेन पिन पॉइंट है एकोनाइट का ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। एकोनाइट का जो पेशेंट होता है उसमें बहुत फियर होता है, बहुत ज्यादा फियर होता है। जो एकोनाइट का जो मेन कॉज होता है उसकी सारी कंप्लेंट्स का, वो उसका फियर ही होता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकोनाइट में जो फियर होता है ना, वो किस तरीके का होता है। यानी कि उसमें जो फियर होता है वो मोस्टली होता है उसकी लाइफ की सेफ्टी के लिए, फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज लाइफ। उसको मतलब कि जो है कि मुझे कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, है ना, इस तरीके का, मतलब उसको अपनी जिंदगी के लिए बहुत डर होता है। विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, अफ्रेड टू गो इन अ क्राउड वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट और मैनी पीपल टू क्रॉस द स्ट्रीट। वो जो होता है वो इतना डर होता है उसके अंदर कि जो है वो बाहर जाने से भी डरता है। टू गो इन ऐसी जगहों पे जाने से डरता है जहां पे ना भीड़ भाड़ हो ज्यादा, कि वहां पे कहीं उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं उसको कोई कुछ कर तो नहीं देगा, है ना। वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट ऑफ मेनी पीपल टू क्रॉस द स्ट्रीट, इवन वो रोड क्रॉस करने से तक डरता है, उसको ये लगता है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। मान लो एकोनाइट का जो पेशेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो किसी गली में भी जा रहा है ना, तो उसको देख के ये लगता है कि अरे यार कहीं ये दीवारें मेरे ऊपर गिर तो नहीं जाएंगी, तो इस तरीके का होता है, बहुत ज्यादा फियर होता है उसके अंदर। द काउंटेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। ये क्या होता है कि एकोनाइट का जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो मोस्टली उसके फियर की वजह से ही होती है। ठीक है, द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर। उसकी उसके अंदर इतना ज्यादा फियर होता है कि उसकी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतों भरी हो जाती है उसके डर से, क्योंकि वो हर चीज में डरता रहता है। इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फैटल,
उसको ये लगता है, का जो पेशेंट होता है ना उसको ये लगता है कि उसको जो भी बीमारी है ना वो मतलब है ना बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इवन मान लो उसको एक कट भी लग जाता है तो उसको लगता है कि कहीं यार इसमें टेटनेस तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार टेटनेस हो जाएगा तो फिर कहीं बाद में इन्फेक्शन हो जाए या फिर मुझे अपना हार्ट तो नहीं कर, तो इस तरीके का होता है। यानी कि उसको लगता है उसको कोई भी बीमारी होती है तो उसको लगता है कि उसकी जो बीमारी है वो फैटल हो जाएगी, यानी कि बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक और पिन पॉइंट है एकोनाइट का, एकोनाइट का जो पेशेंट होता है ना वो अपनी डेथ का डे प्रेडिक्ट करने लगता है। उसको ये लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो उसको लगता है कि मतलब उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो इस तरीके से कहने लगता है कि देखो मैं इस दिन तक है ना इतने इतने टाइम तक यार मैं मर जाऊंगा, मुझे ये दिक्कत हो रही है तो इस दिन तक जो है मैं मर जाऊंगा, तो प्रिडिक्ट करने लगता है द डे ही विल डाई। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो एकोनाइट की जो फीमेल होती है उसमें फियर ऑफ डेथ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि उसको ये लगता है कि वो कंसीव नहीं कर पाएगी, है ना उसको जो प्रेगनेंसी या जो डिलीवरी के टाइम पे वो कंसीव नहीं कर पाएगी, है ना, और वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो इस वजह से उसमें क्या होता है कि फियर ऑफ डेथ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से कई बार उसमें अबॉर्शन भी हो जाता है। ओके, क्योंकि वो इतनी ज्यादा फियर हो जाता है, इतना ज्यादा फियर हो जाता है उसमें कि उसमें अबॉर्शन तक देखने को मिल जाता है। रेस्टलेस एंशियस डज एवरीथिंग इन ग्रेस हैस्ट, जो एटनाइट का जो पेशेंट होता है ना बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, बहुत ज्यादा रेस्ट मतलब ये चीज है कि वो कोई भी काम आराम से नहीं करता, है ना वो मतलब इधर उधर है ना भागता रहता है, मतलब एक जगह आराम से नहीं बैठता, इधर उधर भागता रहता है ना। डज एवरीथिंग इन ग्रेस हैस्ट मतलब कोई भी काम करता है वो बहुत जल्दबाजी में करता है। मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन मतलब वो एक जगह नहीं बैठा रहेगा, कभी इधर बैठा रहेगा फिर जाके दूसरी जगह बैठ जाएगा फिर जाके कहीं और बैठ जाएगा। एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, कोई भी चीज होती है वो उसको चौंका देती है, मतलब उसकी जो सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा होगा, मान लो कोई भी चीज इधर से उधर हुई तो उसको एकदम सडन देख के चौंक जाता है। स्टार्टल्स का मतलब होता है चौंक जाना। हैनिमन सेज व्हेनेवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली यू मस्ट अबव ऑल ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम्स एंड बी केयरफुल दैट इट क्लोजली रिजेंबल्स देम, द एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, द रेस्टलेसनेस, द डिस्क्विंट नॉट टू बी अलाइड। मास्टर हैनिमन ने कहा है कि अगर हम लोग कभी भी एकोनाइट को चूज करते हैं तो हमें वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स पहले अच्छे से देख लेने चाहिए कि पेशेंट के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो एकोनाइट के साइंस एंड सिम्टम्स से कंप्लीटली मैच हो रहे हो, चाहे फिर वो उसकी माइंड हो, उसका बॉडी हो, माइंड में जो प्रॉब्लम्स है उसकी बॉडी में वो बिल्कुल एकोनाइट के सिम्टम से मैच होना चाहिए। ठीक है, उसकी रेस्टलेसनेस हो, हर सिम्टम जो है प्रॉपर मैच होना चाहिए, तब जाके हमें जो है एकोनाइट प्रिफर करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं। द मेंटल एंग्जाइटी वरी फियर अकंपनीज द मोस्ट ट्रेवल एलिमेंट, जो उसकी जितनी भी दिक्कतें होती है ना उसमें तीन चीजें मोस्ट कॉमन होती है, एंग्जाइटी वरी एंड फियर, ये तीनों चीजें जो होती है ना उसकी सारी दिक्कतों में कॉमन होती है। म्यूजिक इज अनबेरेबल मेक्स हर सैड, एकोनाइट की जो पेशेंट होती है स्पेशली फीमेल, जब वो म्यूजिक सुनती है तो म्यूजिक सुनने के बाद है ना वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एकोनाइट का जो पेशेंट होता है इसी वजह से ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनता, क्योंकि म्यूजिक सुनने से वो सैड होने लगता है ना। और सेम चीज हमको सैल्मेटेला में भी देखने को मिलती है, और अगर ये चीज हमको ड्यूरिंग मेंसेस नेक्रम कॉल, ठीक है अगर ये चीज हमको मेंसेस के दौरान देखने को मिल रही है तो हम लोग उसमें नेक्रम कॉल देंगे। ठीक है, फिजिकल जनरल्स की बात करें तो कंप्लेन्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स, और एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड। जो एकोनाइट का जो पेशेंट होता है ना उसकी जितनी भी कंप्लेन्स होती हैं तो वो ड्राई कोल्ड एयर की वजह से बढ़ जाती है, यानी कि मान लो बाहर गया वो तो जो ड्राई कोल्ड एयर क्या होता है कि ठंडी हवाएं, ठीक है तो ड्राई कोल्ड एयर नॉर्थ वेस्ट विंड मतलब यानी कि अगर वो बाहर जा रहा है और वहां ठंडी हवा चल रही है तो उससे उसकी कंप्लेंट्स होती है और बढ़ जाती है ठंडी हवाओं से, और एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड यानी कि ठंड से या ठंडी हवाओं से जो है उसकी कंप्लेंट्स और ज्यादा बढ़ जाती है। वाइल इन परस्पिरेशन बैड इफेक्ट ऑफ चेस्ट परस्पिरेशन,
ठीक है, एकोनाइट का जो पेशेंट होता है उसको क्या रहता है कि मान लो कहीं बाहर गया, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको स्वेटिंग हुई, देन फिर जो है उसको ठंडी हवाएं उसको लग गई, ठीक है, तो उसकी कंप्लेंट्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यानी कि अगर पसीना आ रहा है एंड फिर है ना उसको ठंडी हवाएं और लग गई तो उसकी कंप्लेंट्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ओके, फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस, एकोनाइट को हम लोग और कब दे सकते हैं, इन्फ्लेमेशन अगर जो है कहीं पे मान लो सूजन वगैरह आई हुई है तो उसके इनिशियल स्टेज में हम लोग है ना एकोनाइट को दे सकते हैं। पेन्स आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी। एकोनाइट का जो पेशेंट होता है ना उसमें पेन्स इतने ज्यादा होते हैं, क्यों होते हैं, पेन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एकोनाइट का पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है फिजिकली, ठीक है, और उसकी ससेप्टेबिलिटी जो होती है पेन्स के लिए बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, होता क्या है कि एक्रोनाइट का पेशेंट ओवरथिंकर होता है, ठीक है, तो उसको जो छोटी से छोटी चोट भी लगती है ना तो वो सोच सोच के कि अरे यार मुझे ये दिक्कत हो गई, मुझे ये चोट लगी, मुझे चोट लगी, वो सोच सोच के मेंटली या साइकोलॉजिकली अपना पेन और ज्यादा बढ़ जाता है, उसका पेन और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट, ठीक है, और जब उसको पेन हो रहा होता है ना तो स्पेशली जो ज्यादा पेन होता है उसको रात के टाइम पे, तो वो रात के टाइम पे उसका पेन और ज्यादा बढ़ जाता है और वो और ज्यादा रेस्टलेसनेस आ जाती है उसके अंदर, यानी कि वो इतना परेशान हो जाता है कि वो कहीं ढंग से एक जगह बैठ भी नहीं पाता, वो कभी इधर पलटता रहता है कभी उधर पलटता रहता है, ढंग से सो भी नहीं पाता। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो अमेनोरिया इन लिथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस, एमिनोरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, जो प्लेथोरिक यंग गर्ल्स होती हैं यानी कि जो चबी गर्ल्स होती हैं उनमें एमिनोरिया हो जाता है आफ्टर फ्राइट। मान लो उन्हें किसी भी चीज से, अच्छा कोई सडन ऐसी न्यूज मिली या फिर कोई ऐसी सडन चीज हुई जिनसे उन्हें डर लग गया, ठीक है, तो उस डर लगने से क्या हो जाता है उनके अंदर एमिनोरिया आ जाता है, यानी कि उनकी मेंसेस जो होती हैं स्टॉप हो जाती हैं, तो उस केस में भी हम एक्रोनाइट को दे सकते हैं टू प्रिवेंट द सप्रेशन ऑफ मेंसेस, यानी कि आप जो सप्रेस्ड मेंसेस हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए भी हम क्राइट दे सकते हैं अगर वो फ्राइट की वजह से हुई है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो कफ होता है, क्रूप होता है, कैसा होता है कफ, इसका ड्राई होर्स होता है, सफोकेटिंग होता है, लाउड होता है, रफ होता है, क्रोकिंग टाइप होता है, ठीक है। क्राइट का जो कफ होता है ना मतलब इस तरीके का होता है कि बहुत ज्यादा लाउड, तो उसका गला एकदम सूख जाता है, वो बहुत तेज खांसता है, इतना तेज उसको खांसी आती है कि वो अपना गला पकड़ लेता है, ठीक है, लाउड होता है, रफ होता है, क्रोकिंग हार्ड होता है, रिंगिंग होता है। एकोनाइट में एक और चीज क्या होती है, यहाँ विस्लिंग साउंड पाया जाता है, ठीक है, यानी कि जब उसको खांसी हो रही होती है या फिर वो जब सांस ले रहा होता है ना तो उसमें विस्लिंग साउंड होता है, एक नाक से सीटी टाइप की आवाज निकलती है ऑन एक्सपिरेशन, यानी कि जब वो सांस बाहर छोड़ता है तो उसमें एक विस्लिंग साउंड मिलती है, यानी कि जैसे सीटी टाइप है ना निकल रही हो, ठीक है, ऑन एक्सपिरेशन। कॉस्टिकम में भी यही चीज देखने को मिलती है, विस्लिंग साउंड देखने को मिलती है ऑन एक्सपायरेशन। ऑन इनहेलेशन स्पॉन्जिया, यानी कि अगर विस्लिंग साउंड अगर एक्सपायरेशन के दौरान देखने को मिल रही है तो हम लोग एकोनाइट देंगे या फिर कॉस्टिकम देंगे, अगर विस्लिंग साउंड इनहेलेशन पे सांस अंदर लेने पे हमें देखने को मिल रही है तो फिर हम लोग स्पॉन्जिया देंगे। ओके, फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्रॉप्स ऑफ एयर, ठीक है, जो उसकी जो खांसी वगैरह जो होती है उसकी खांसी ये कब होती है, ये ड्राई कोल्ड एयर या ड्राई कोल्ड विंड की वजह से होती है, यानी ठंडी हवा ही लगने के बाद होती है। ओके, दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा कि निमोनिया, एकोनाइट को हम लोग निमोनिया में भी दे सकते हैं, एट द फर्स्ट, निमोनिया की कब में, निमोनिया में कब दे सकते हैं, फर्स्ट स्टेज में व्हेन सिम्टम्स आर वेरी प्रोमिनेंट, यानी कि सिम्टम्स जो होते हैं ना बिल्कुल हाल के ही होते हैं, यानी कि अगर निमोनिया की फर्स्ट स्टेज हो रखी होती है या तुरंत ही हुआ है तो फिर हम लोग एकोनाइट दे सकते हैं। एक और चीज, एकोनाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है फॉर अफेक्शंस ऑफ हार्ट लाइक न्यूरालजिया, हाइपरट्रॉफी, एंजिना पेक्टोरिस, यानी कि अगर हमारे हार्ट में कोई भी दिक्कत हो रखी होती है सडन, मान लो कोई भी चीज, चाहे वो मतलब है ना हमें अचानक से न्यूरालजिया हो, यानी कि हमें ऐसे मतलब ऐसा लगे कि कुछ चुभ रहा है ना हार्ट में, है ना, या फिर एंजाइमा हार्ट अटैक्स के दौरान, है ना, तो भी हम लोग एकोनाइट को दे सकते हैं तुरंत, अगर है ना बिल्कुल तुरंत हुआ है तो। ओके, तो चीज अगर हम लोग एकोनाइट की हेडेक की बात करें तो एकोनाइट का जो हेडेक होता है वो होता है थ्रॉमिंग, कंजेस्टिव टाइप होता है,
यानी कि उसको ऐसा लगता है कि यार उसके सर में जो है बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना, जितना भी ब्लड है उसकी बॉडी को सारे के सारे उसके दिमाग में है ना चला गया, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका जो ब्रेन है ना वो मतलब बिल्कुल एक्सपैंड कर रहा है ना। हेड हॉट और बॉडी कोल्ड, जब उसका हेडेक होता है ना तो उसको सर में है ना उसको बहुत ज्यादा है ना गर्मी फील होती है, बॉडी उसकी कूल रहती है लेकिन जो उसको हेड में जो होता है बहुत गर्मी टाइप फील होती है। एंड इसके बाद अगर एकोनाइट के डायरिया की बात की जाए तो स्पेशली इन इन्फेंट्स ड्यूरिंग समर, एकोनाइट को हम लोग डायरिया में भी दे सकते हैं, स्पेशली इन्फेंट में अगर हॉट समर के दौरान है ना उनको डायरिया हो रखा होता है, तो उस डायरिया में एकोनाइट का स्टूल कैसा होता है, लाइक चॉप्ड हर्ब्स प्लस कोलिक। ठीक है, जब बच्चों में समर के टाइम पे डायरिया होता है तो उसमें हम लोग एकोनाइट दे देते हैं। एंड उसके स्टूल कैसे होते हैं, उसके स्टूल होते हैं एज लाइक चॉप्ड हर्ब, ऐसा लगता है कि है ना कि हर्ब्स को काट के है ना मतलब बिल्कुल आया है स्टूल इस तरीके से। एंड उसके कोलिक भी हो रखा होता है उस टाइम पे। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑन राइजिंग फ्रॉम द रिकमरिंग पोजिशन द फेस बिकम डेथली पेल और ही बिकम्स पेंट और गिडी एंड फॉल्स एंड ही फियर्स टू राइज अगेन। जब वो लेट के उठता है, रिकमरेट पोजीशन का मतलब होता है कि लेट के उठना, जो लेट के उठता है तो उसका जो चेहरा होता है वो एकदम पीला पड़ जाता है और वो जो है वो बेहोश हो जाता है, या फिर क्या होता है कि उसको चक्कर आने लगते हैं, वो गिर जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि फिर वो दोबारा उठने की कोशिश करता है तो उसको डर लगता है, तो फिर वो दोबारा उठना नहीं चाहता। ठीक है, ऑफन अकंपेनड बाय वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस, और उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि जैसे है ना उसको दिखाई नहीं दे रहा सही से और चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जन्स में भी हम लोग एकोनाइट को देते हैं। कन्वर्जन्स किसमें, कन्वर्जन्स ऑफ ईलिंग चिल्ड्रन में भी हम लोग एकोनाइट देते हैं। जब एकोनाइट का जो चिल्ड्रन होता है उसमें कन्वर्जन्स आ रहे होते हैं। कन्वर्जन्स क्या होता है, कन्वर्जन्स हम लोग कहते हैं दौरे पड़ने को। ठीक है, तो कन्वर्जन्स ऑफ ईलिंग चिल्ड्रन में क्या होता है, हीट यानी कि वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी बॉडी हीट करने लगती है, जर्क्स यानी कि एकदम झटके टाइप आने लगता है उसको, ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स, उसकी मसल्स जो होती है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एट फेल गया ना, चाइल्ड गॉन्स इट्स फिस्ट फ्रेट्स एंड स्क्रीम, जो उसका बच्चा होता है वो एकदम अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और जो है ना चिल्लाता है। ठीक है, स्किन हॉट एंड ड्राई, उसकी जो स्किन होती है वो गर्म होने लगती है, उसकी पूरी बॉडी गर्म होने लगती है, हाई फीवर, और उसको जो है काफी तेज फीवर आने लगता है। ओके, फीवर की बात करें तो स्किन ड्राई एंड हॉट, फीवर में क्या होता है कोनाइट के कि जो उसकी स्किन होती है पेशेंट की बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, फेस रेड और पेल एंड रेड अल्टरनेटली, यानी उसका चेहरा क्या होता है कि कभी एकदम रेड हो जाता है, जैसे कि ब्लड मान लो उसके ऐसा लगता है कि जैसे उसके सारे चेहरे में ये ना ब्लड आ गया तो एकदम रेड हो जाता है, और फिर अचानक से ही जो है एकदम पेल हो जाता है, एकदम पीला पड़ जाता है, यानी ऑल्टरनेट होता रहता है, ऐसे कभी रेड हो जाता है फेस उसका, कभी है ना येलो पेल हो जाता है। ठीक है, अब इसका आता है एक पेन पॉइंट सिम्टम एकोनाइट का, वो है बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, उसको बहुत तेज प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास है ना, वो भी किसकी, कोल्ड वाटर की। अब मैं इस पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होती है वो दो में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर कोल्ड वाटर की है तो उसमें हम लोग एकोनाइट को दे सकते हैं, एंड अगर बर्निंग थर्स्ट है नॉर्मल वाटर की, ठीक है, तो उसमें हम लोग आर्सेनिक या सेमिक को भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बर्निंग थ्रस्ट जो होती है दो मेडिसिन में पाई जाती है। ठीक है, अगर मान लो बर्निंग थ्रस्ट है कोल्ड वाटर की, ठीक है, यानी कि उसको बहुत सारा ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, तो उस केस में हम लोग एकोनाइट दे सकते हैं। एंड अगर उसको नॉर्मल का पानी की ही बहुत तेज प्यास लग रही है तो उसमें हम लोग है ना आर्सेनिक या सैनिक दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो आर्सेनिक है उसमें क्या रहती है प्यास, वो ऐसी रहती है उसको ढेर सारा पानी पीना होता है, ढेर सारी प्यास लगती है, लेकिन वो पानी थोड़ा थोड़ा पीता है और थोड़े थोड़े टाइम के बाद घूंट घूंट करके पानी पीता है। लेकिन एकोनाइट के केस में क्या होता है कि उसको बहुत तेज प्यास लगती है लेकिन वो पानी लंबे इंटरवल में पीता है। ठीक है, तो एकोनाइट के केस में वो लंबे इंटरवल में पीता है, एंड जो आर्सेनिक की केस में वो शॉर्ट इंटरवल में पीता है। ठीक है,
इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टॉसिंग अबाउट इन एग्री। जब उसको फीवर आता है तो उसको बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है, बहुत ज्यादा, यानी इतनी बेचैनी होती है कि वो एक जगह है ना बैठ ही नहीं पाता। वो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर बैठ रहा है कभी उधर बैठ रहा है। वो ढंग से लेट भी नहीं पाता, मतलब मैंने कभी मान लो ऐसे लेटा हुआ तो फिर पलट जाएगा, फिर ऐसे करके मतलब एक जगह रह ही नहीं पाता। बिकम्स इनटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग, जो उसका जो फीवर होता है ना वो इवनिंग के टाइम पे और ज्यादा बढ़ जाता है, एंड गोइंग टू स्लीप, ठीक है, और या फिर जब वो सोने जा रहा होता है तब बढ़ जाता है, ठीक। एकोनाइट शुड नॉट बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, नेवर अल्टर्ड विद अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस। एकोनाइट जो है ना वो सिंपली फीवर को कंट्रोल करने के लिए नहीं देना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपको फीवर आ रहा है किसी भी तरीके का तो आपने सीधे एकोनाइट दे दी, ठीक है। तब तक जब आप है ना जो सिम्टम्स है एकोनाइट के और जो पेशेंट के सिम्टम्स है जब तक अच्छे से मैच ना हो हुए हो, है ना, तब तक एकोनाइट नहीं देनी चाहिए। ये नहीं कि बस है ना फीवर आ रहा है आपने एकोनाइट दे दी, फीवर आ रहा है आपने एकोनाइट दे दी। नेवर अल्टर्ड विद अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस, यानी कि अगर आप मान लीजिए आपको फीवर के केस में आप कोई मेडिसिन चला रहे हैं तो आप ये नहीं करेंगे कि है ना उसके साथ में आप एकोनाइट चला दें, ठीक है, मतलब है ना उस मेडिसिन को हटाएं है ना एकोनाइट चला दें। मतलब अगर एक टाइम पे आप एकोनाइट चला रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एकोनाइट ही चलाएंगे, उसके साथ कोई और मेडिसिन नहीं चलाएंगे, ठीक है। इट इज इफ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट नो अदर ड्रग्स इज नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। अगर कोई ऐसा केस पड़ता है जिसमें हमें एकोनाइट की जरूरत है, हम एकोनाइट दे रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ एकोनाइट ही देंगे, उसके अलावा और कोई मेडिसिन उसके साथ में नहीं चलाएंगे। और क्या रहेगा, अगर हम किसी केस में हमने टोटैलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे एकोनाइट चूज की है तो एकोनाइट ही वो केस पूरा का पूरा सही कर देगी, हमें किसी और मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। Unless indicated by the exciting cause is nearly injurious in first stage of typhoid fever. एकोनाइट जो है हम लोगों को फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में नहीं देनी चाहिए, ठीक है, इंजूरियस होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में। और हम कब दे सकते हैं, जब जो एक्साइटिंग कॉज है टाइफाइड फीवर का वो एकोनाइट के जो सिम्टम्स हैं उनसे बिल्कुल मैच हो तब हम दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में, वरना इंजूरियस होता है, ओके। मोडालिटीज की बात करें अगर, तो एग्रवेशन कब कब होता है, एग्रवेशन होता है एकोनाइट में इवनिंग में और नाइट में, यानी इवनिंग और नाइट में उसमें एग्रवेशन हो जाता है, उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। पेन्स आर इनसपोर्टेबल, ठीक है, उसका पेन जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पेन्स कब ज्यादा बढ़ जाता है, इन वार्म रूम, जब वो गर्म कमरे में बैठा हुआ होता है तब बढ़ जाता है। व्हेन राइजिंग फ्रॉम द बेड, जब वो बेड पे सो के उठ रहा होता है तब उसको है ना एग्रवेशन हो जाता है। लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड, यानी कि जिस मान लो उसको अगर इस साइड पे दिक्कत है तो इसी साइड से सो रहा है तो उसमें एग्रवेशन और बढ़ जाता है, यानी जो उसकी दिक्कतें हैं वो और बढ़ जाती हैं। अगर ये मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लाइंग ऑन द इफेक्टेड साइड पे अगर एग्रवेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये चीजें हिपरसल्स में भी देखने को मिलती है एंड नक्स मॉस्काटा में भी देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि अगर एग्रवेशन लाइंग ऑन द इफेक्टेड साइड, यानी जिस साइड पे आपको दिक्कत हो रही है उसी साइड पे लेटने से आपको एग्रवेशन हो रहा है, तो ये चीज आपको हिपरसल में भी देखने को मिलती है एंड नक्स मॉस्काटा में भी देखने को मिलती है। एंड इसी के साथ अगर आपको अफेक्टेड साइड में ले अफेक्टेड साइड जो भी मान लो आपकी अफेक्टेड साइड है उसी साइड पे लेटने से आपको आराम मिलता है, एमलरेशन होता है, तो वो हम उसमें उस केस में हम लोग क्या देंगे, उस केस में हम लोग पल्सेटिला दे सकते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर अफेक्टेड साइड पे लेटने से आपको एग्रवेशन हो रहा है तो उस केस में आप एकोनाइट, हिपरसल और नक्स मॉस्काटा देख सकते हैं। अगर आपको अफेक्टेड साइड में यानी जिस तरफ दिक्कत हो रही है उस साइड पे लेटने से आराम मिलता है यानी एमलोरेशन होता है तो उस केस में आप लोग पल्सेटिला दे सकते हैं, ठीक है। अगर एकोनाइट में एमलोरेशन की बात की जाए तो एमलरेशन कब होता है, एमलरेशन यानी कि आराम मिलना, तो आराम कब मिलता है एकोनाइट के केस में, ओपन एयर में, यानी कि जब खुली हवा में जाएगा है ना बाहर कहीं तो उसको आराम मिलेगा। एंड एमलरेशन इन ओपन एयर एलम में भी पाया जाता है, मैकगार्ट में भी पाया जाता है, पल्सेटिला में भी पाया जाता है एंड साल्बेडिला में भी, यानी इन चारों मेडिसिन में ही एमलरेशन होता है इन ओपन एयर, यानी दिक्कत से आराम मिलता है ओपन एयर में। रिलेशन की बात की जाए
तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की बात करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होती है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वो होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक मेडिसिन चलाई, उस मेडिसिन ने उस पेशेंट को या उस दिक्कत को 70% क्योर कर दिया, फिर उसके बाद उस मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि अगर हम उसको और चला रहे हैं फर्दर तो वो अब ठीक नहीं करेगी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस केस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन दे देते हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होती है, जो बचा हुआ होता है, बचा हुआ 30% है, उसको भी पूरा क्योर कर देती है, यानी उस डिजीज को फिर पूरा क्योर कर देती है, ठीक है। यानी कि दोबारा से मैं समझा दे रहा हूँ कि इस तरीके से रहता है कि मान लो 70% आपने कोई भी मेडिसिन चलाई, ठीक है, 70% उसने क्योर कर दिया, उसके बाद वो काम नहीं कर रही, देन फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन दी तो उसने वो कंप्लीट क्योर कर देती है उसे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो एकोनाइट कॉम्प्लीमेंट्री है कॉफिया के इन फीवर एंड स्लीपलेसनेस और इनटॉलरेंस ऑफ पेन, ठीक है। अगर मान लो एकोनाइट हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, और उसने 70% क्योर कर दिया उसके किसी प्रॉब्लम को, और उसके बाद फिर वो फर्दर क्योर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम लोग कॉफिया जो है, कॉफिया अगर हम देंगे तो कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। किस किस केस में, इन फीवर के केस में, स्लीपलेसनेस के केस में, इंटॉलरेंस ऑफ पेन के केस में। एक्यूराइड जो है कॉम्प्लीमेंट्री होती है आर्निका के, किस किस केस में, क्रोमेटाइजेशन के केस में, ठीक है। एक्यूराइड कॉम्प्लीमेंट्री होती है सल्फर के केस में, और सल्फर के तो ऑल केसेस में ही एक्यूराइड कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। एक और चीज, एक्यूराइड इज एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रेसीड एंड फॉलोज इट इन एक्यूट इंफ्लेमेटरी कंडीशंस, ठीक है। एक्यूराइड जो होती है सल्फर के कॉम्प्लीमेंट्री होती है किस तरीके से, इन एक्यूट इंफ्लेमेटरी कंडीशन, यानी कि अगर मान लो हल्का बहुत बुखार वगैरह आ रहा हो या कोई इस तरीके की चीजें हो, है ना, तो उसमें एकोनाइट जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है सल्फर के, यानी कि थोड़ा एकोनाइट दी आपने, है ना, देन फिर जितना ठीक हुआ, उसके बाद अगर नहीं ठीक हो रहा तो हम सल्फर दे दिया अगर हमने, तो कंप्लीट क्योर कर देता है, ठीक है। एंड इसमें जो लाइन है, बोथ प्रेसीड एंड फॉलोड इट, यानी कि हम दोनों को ही आगे पीछे चला सकते हैं, यानी कि आप पहले एकोनाइट दे रहे हैं, अगर वो नहीं क्योर हो रहा है तो फिर हम लोगों ने फिर, है ना, सल्फर चला दी, है ना, तो जो है सल्फर उसको कंप्लीट क्योर कर देगी, वरना जो है पहले हम सल्फर चला रहे हैं वो, है ना, क्योर नहीं कर, उससे, है ना, थोड़ा सा रह गया है, एकोनाइट दी थी फिर वो उस तरीके से उसने कंप्लीट क्योर कर दिया, ये है। तो ये था कंप्लीट एकोनाइट के बारे में, तो थैंक यू।